नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर, शहर में पिछले दिनों जो हालात उभरे थे उन हालातों को दोबारा उभरने ना दिया जाए और मीरा भाईंदर शहर सुरक्षित रहे, इसके चलते पूर्व नगर सेविका सारा अक्रम ने सीपी मधुकर पांडे और एसीपी बजरंग देसाई नयानगर पुलिस थाने के पीआई विलास उपेन से मुलाकात की और उन्होंने चिंता जाहिर की है आने वाले दिनों को देखते हुए। किस प्रकार की उनकी चिंता थी और उन्होंने क्या खबरदारी लेने के लिए कहा है पुलिस डिपार्टमेंट से, आइए हम उनसे जानते हैं। सारा क्रम जी, हम देख रहे हैं कि आप पुलिस थानों के चक्कर काट रहे हैं, आपने सीपी मधुकर पांडे से भी मुलाकात की थी, क्या मुद्दे हैं आपके और क्यों आप उनसे मुलाकात कर रहे हैं? साबिर भाई, आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं आने वाले 19 तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती है, उसके निमित्त में जो है पूरे शहरवासियों को तहे दिल से हार्दिक शुभेच्छा देती हूँ। और मैं जो है परसों के दिन जो है मैं मधुकर पांडे जी आईपीएस पुलिस कमिश्नर से मैंने मुलाकात की और उनके साथ इसी विषय पर 19 तारीख के विषय पर उनके साथ पत्र व्यवहार किया और उनसे ये कहा कि हमें पहले ही प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि 22 तारीख को जो दुर्घटना घटी है वैसी दुर्घटना ना हो और वो परिस्थिति फिर ना आए मीरा भाईंदर में और स्पेशली नया नगर में। इसके लिए मैंने उनसे जो है ये निवेदन किया था कि इस पर आप जो है सख्त से सख्त और जल्द से जल्द जो है आपकी कार्रवाई है वो करें। और उसी पत्र का सीसी देने के लिए आज मैं जो है नया नगर पुलिस स्टेशन आई हूँ। यहाँ पर मैंने जो है हमारे नए एसीपी देसाई साहब, हमारे सीनियर पीआई जो है उनसे मुलाकात की और उन्होंने भी मुझे यही आश्वासन दिया कि मैडम, हम जो है इस बार जो है पहले से ही हमारी प्रिकॉशन जो है, हमारी जो फोर्स है वो पहले ही एक्टिव रहेगी इंशाल्लाह, और पहले ही हम जो है सब चीज़ प्रिकॉशन ले लेंगे, क्योंकि इंग्लिश में कहावत भी है प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि पूरे सब देशवासी, स्पेशली मीरा भाईंदर के लोग, जो आने वाले 19 तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती है वो खुशी से मनाएं, उल्लास से मनाएं और सेफ मनाएं। मैडम, हमारे शहर की जो जनता है बहुत ही शांतिप्रिय जनता है, अमन और भाईचारे की पसंद करती है, लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व किस्म के नेता है जो नहीं चाहते कि यहाँ पर शांति बरकरार रहे, यहाँ पर अमन शांति बनी रहे, आपसी भाईचारगी बनी रहे, वो कुछ ना कुछ ऐसी कोशिशें करती है, तो क्या ऐसा में लगता नहीं आपको कि पुलिस को भी उन नेताओं पर थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए कि उन पर नज़र बनाए रखे कि जिस दिन ऐसे कोई खास त्यौहार होते हैं कि वो नेताओं द्वारा गड़बड़ी हो सकती है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर पूरी तरह से काबू पा लेगी पुलिस? देखिए, ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है ना, ये सब काम करने के लिए वो प्रवोक खुद कर सकते हैं लोगों को और लोग प्रवोक होते हैं तो वो प्रवोक करके चले जाते हैं, लेकिन इसका भुगतान जो है ना वो वहाँ के रहवासियों को भुगतना पड़ता है। और अगर जो 22 तारीख को जो दुर्घटना घटी है, अगर उसके पहले भी अगर यहाँ के बड़े नेताओं ने कोई प्रिकॉशन ली होती तो ये आज जो बच्चे जो नया नगर के जो जेल में हैं वो जेल में नहीं होते, आज उनका फ्यूचर जो है वो डार्क हो चुका है। तो ये बात जो है इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज जो है मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ इंशाल्लाह ताला कि पहले से ही जो है हम जो है इसका जो है तैयारी करें आने वाली, ताकि हम ये 19 तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती मनाएं और अच्छे मनाएं और खुशी से मनाएं और सेफ मनाएं। इसीलिए मेरा मुद्दा यही है कि सब चीज़ जो है अच्छे से हो, कुशल हो, मंगल हो, सब खुश रहें। आखिरी सवाल मैडम, आपकी और पुलिस अधिकारियों की जो बातचीत हो रही है, आप क्या उन्हें सुझाव दे रहे हैं, उन्हें क्या सूचनाएं दे रहे हैं कि जिस पर वो अमल कर सके और शहर में शांति बरकरार रखे, आपके वो सुझाव मैं जानना चाहता हूँ और आपकी जो मांग है वो मैं जानना चाहता हूँ। मैंने ये मांग की है और मैंने ये सुझाव दिया है उनको कि 19 तारीख के पहले 17 तारीख या 16 तारीख को उन लोगों का जो है कॉन्फ्रेंस है, पुलिस कॉन्फ्रेंस रखा है उन्होंने, ये मुझे इत्तला मिली है। तो उसी कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है मैंने उनसे बात की कि भाई कि आप जो उस कॉन्फ्रेंस में, जब आप कलोगा कॉन्फ्रेंस है तो उसमें आप ये बोलें कि 19 तारीख के पहले जो बैरिकेड्स लगने हैं या जहाँ पे भी आपको प्रिकॉशन लेना है, आपको ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत जो सेंसिटिव पार्ट है नया नगर का, मीरा रोड का, तो आप उस पर जो है ज़्यादा फोकस करें और उस पर ज़्यादा अपनी जो है ना ध्यान रखें और ज़्यादा अपने लोगों को, अपनी पुलिस की बंदोबस्त जो है वो वहाँ पे सख्त रखें और मतलब मजबूत रखें, ताकि ऐसी कोई और ऐसा कोई बंदा जो है वो कोशिश कभी नहीं करे उस इलाके में घुसने के लिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह है पूर्व नगर सेविका सारा अक्रम जी ने इस बात की चिंता सताई जा रही है कि आने वाले दिनों में
जो अलग अलग धर्मों के त्यौहार है उन त्यौहारों पर मीरा भाईंदर शहर की अमन शांति खराब ना हो, यहाँ का माहौल उसमें कोई बाधा ना लाया जाए, यहाँ की कानून व्यवस्था खराब ना हो, इसके चलते ये पुलिस थानों के चक्कर काट रहे हैं। इन्होंने सीपी मधुकर पांडे से लेकर नयानगर पुलिस थाने के पीआई विलास सुपे तक का सबसे मुलाकात की और निवेदन दिया है और आने वाले त्योहारों पर पुलिस को कैसे खबरदारी लेनी चाहिए, पुलिस को कैसे सतर्क रहना चाहिए, इस पर भी पुलिस का ध्यान आकर्षित किया है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में पुलिस को जो सुझाव इनके तरफ से दिए गए, जो निवेदन इनके तरफ से गया है, उस पर पुलिस कितना अमल करती है, कितना गंभीरता से उसे लेते हैं और आने वाले दिनों में हमारे शहर के जो हालात है वो क्या ऐसे ही बरकरार रहेंगे या फिर जो असामाजिक तत्व किस्म के लोग हैं वो अपने मंसूबों में कहीं ना कहीं कामयाब हो गए, ये भी हमें नज़र बनाए रखनी होगी। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुर्शी और साबिशेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर, धन्यवाद।